हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। और बहुत ही सरल है, जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, हर एक चीज देखते आ रहे हैं, उनको तो ये बहुत ही ज्यादा सरल रहेगा। और पिछली वाली वीडियो जो मैंने बताई थी, क्या लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, हाँ कि ना, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, अगर वो देखा है तो ये तो एकदम हलवा है आपके लिए, कुछ भी नहीं। अगर नहीं देखा है तो देख लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 में बहुत ही नन्ना समन्ना से क्वेश्चन पूछा, क्या है, कह रहा है अ बैग हैज 4 रेड बॉल। एक बैग है, एक झोला है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ये है, ये हमारे पास कोई बैग है, इसके अंदर कह रहे हैं क्या 4 रेड बॉल है, क्या है 4 क्या है 4 रेड बॉल है, ठीक है, एंड 2 येलो बॉल, और 2 प्यारे बच्चों येलो बॉल है, येलो बॉल है, ठीक है। कह रहा है द बॉल आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्टिव अदर देन कलर। कह रहा है कि जितनी भी ये बॉले हैं ना, इनकी जो आकार है, गोलाई है, मोटाई है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, सब सेम है, बट इनके बस कलर अलग अलग हैं। 4 बॉल रेड है और 2 बॉल येलो है, बस यही कह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक क्या किया गया, एक बॉल क्या किया, अपनी आंखें वाखें बंद कर ली गई और फिर अपना क्या किया गया, एक बॉल को निकाला गया, इस झोले के अंदर हाथ डाला गया और निकाला गया एक बॉल को, ठीक है। तो यही चीज यहां पे बताया, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू द बैग। तो आपको देख के नहीं निकालना है, अगर आप देख के निकालोगे तो आपको तो पता ही रहेगा कौन सी बॉल आप निकाल रहे होते, तो चीटिंग हो गई ना। तो चीटिंग नहीं करना है, बिना देखे आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ठीक है, चलो। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। कह रहा है, अब पूछ रहा है, अब आपको तो पता नहीं है कि आपने जो बॉल निकाली वो रेड है या येलो है, छूने में भी वैसी लग रही है, हाँ कि ना, और दबाने पे भी वैसे लग रही है, हाँ कि ना, कि और फिर बाद में क्या है, उसका तो भाई क्या है, वो आइडेंटिकल है, तो उसका उसका जो क्या होगा, उसका आइडेंटिकल का मतलब क्या, हर एक चीज सेम है उसकी, बस क्या है वो क्या है, उसका कलर प्यारे बच्चों क्या है, बस वो अलग है, ठीक है। तो वो चीज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर तो आप बिना देखे बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब ये पूछ रहे हैं वो जो बॉल आपने निकाला है ना, वो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये आप बताइए। तो कैसे बताओगे, बहुत ही सरल है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो आप क्या करोगे, इसको अब कर दो, चलो हटाओ, मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मैंने बताया था पीई, तो यहां पे इवेंट किस चीज का हो रहा है, क्या रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो बताओ रेड बॉल आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कितने हैं बताओ आप। यहां पे देखो, यहां पे 4 लिखा हुआ है, 4 रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 होंगे, क्यों, क्योंकि 4 तो है अपने रेड और 2 हैं अपने क्या, येलो, तो दोनों मिला के हो गए प्यारे बच्चों 6 आउटकम है अपने पास। तो फेवरेबल आउटकम रेड बॉल आने के कितने हैं, रेड बॉल कितनी है 4, तो रेड बॉल कितनी है 4, ऊपर लिख दिया। अब कितने टोटल बॉल्स कितनी है 6, ठीक है, और यही हमारे टोटल आउटकम्स भी हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो इसको ले लेंगे 6, तो 4/6 आ गया हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 3/2/3 आ जाएगा, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा आपका आंसर, 2/3 आ जाएगा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2/3, ठीक है। फिर क्या है, इज इट मोर देन द, इट इज मोर और लेस देन द गेटिंग येलो बॉल। अब कह रहे हैं कि क्या ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये क्या ज्यादा है और क्या कम है येलो बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी से, तो क्या करेंगे, येलो को भी निकाल देंगे यहां पे, तो येलो को निकालेंगे क्या, ये भी बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या हो जाएगी, येलो बॉल कितनी है 2, तो इसके आने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 2, और कितने टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, कितने हैं 6, हाँ कि ना, 4 रेड और 2, तो नीचे लिख देंगे 6, तो ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है हमारे 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 से कर गया ये, तो 2/1/6 आ गया, 2/1 = 2, 2/3 = 6, तो येलो की आ गई 1/2 और प्रोबेबिलिटी की आ गई प्यारे बच्चों 2/3। अब देखो यहां पे 1/3 एंड 2/3 में से बड़ा कौन है, ये आप बताओ। अब इस तरीके से आपको पता चलेगा, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है
तो आपको देखना है कि ऊपर वाला जिसका कम रहेगा वो क्या होगा। अब देखो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऊपर वाला भाई साहब कम है तो इसका आंसर कम आने वाला है, और इधर ज्यादा है तो इसका आंसर ज्यादा ही आने वाला है। तो इतना बस आपको याद रखना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखो ऊपर वाली कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो आप कहोगे वही प्यारे बच्चों आपका ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, इज इट मोर देन क्या है यहाँ पे लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, और फिर कह रहा है कि इज इट मोर देन, मोर और लेस देन गेटिंग द येलो बॉल, तो हाँ ये कह रहा है मोर है, तो आप क्या लिखो, इज इट मोर और लेस, तो आप कहोगे इट इज मोर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या है, मोर है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 2/3 आ रही है इसकी, रेड बॉल की। और ऐसे भी देख सकते हो आपके क्या है, 4 बॉलें रेड की हैं और 2 बॉलें येलो की हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो 4 वाले के आने की ज्यादा है, क्योंकि 4 बॉल ज्यादा है, ज्यादा किसकी बॉल ज्यादा है, 4 बॉलें रेड बॉल की बॉलें ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख के बता सकते हो। तो मैंने अब थोड़ा बहुत अच्छे से आपको यहां पे क्या रफली आपको बताने की कोशिश, क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, कैसे कैसे क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, कुछ नहीं, यहाँ पे मैं झोला बना देता हूँ जिससे थोड़ा आपको समझ में आए। क्या था, 4 थी अपनी रेड बॉल और 2 थी अपनी कितनी, येलो बॉल। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इन्होंने कहा देयर आर इन ऑल, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी बॉलें कितनी है इन्होंने बताई, 4+2, 4 रेड और 2 हमारी येलो, इन दोनों को प्लस करके कहा, उन्होंने कहा 6 आउटकम्स हैं हमारे पास ऑफ एन ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कहा 6 आउटकम्स हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं गेटिंग अ रेड बॉल कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, तो ये कह रहे हैं कि रेड बॉल आने के जो आउटकम्स हैं वो क्या है, 4 हैं। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। क्यों, वाई, क्योंकि 4 बॉलें ही तो है ना, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं उसके आने के, 4। क्यों, क्योंकि 4 बॉलें हैं, तो कोई भी आइडेंटिकल 4 बॉलों में से कोई भी बॉल आ सकती है। ठीक है, तो कितनी, कितने में से आ सकती है, 4 बॉलों में से, तो कितनी आ गई हमारे पास, 4 आउटकम्स हो गए हमारे पास। फिर देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अब रेड बॉल, इसी वजह से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल की, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, इक्वल्स टू कि 4 आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 4, 4 क्या है, रेड बॉल, 4 नहीं कहोगे, रेड बॉल, तो फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल आने के क्या है, 4, हाँ कि ना, और टोटल आउटकम्स क्या है अपने पास, 6, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 6, तो इन्होंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है 4/6, इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 2/3, कैसे करोगे डिवाइड, 2 से करो, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आएगा या 2/3। इन द सेम वे इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितनी येलो बॉल है, येलो बॉल कितनी है, 2, हाँ कि ना, और कितने में से, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 2 हो गए येलो बॉल के आने की, और कितने टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स कितने हमारे पास, 6 है, तो नीचे 6 लिख दिया, तो 1/3 आ गया इसका आंसर, कैसे आ गया, इसको डिवाइड करो 2 से 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज मोर देन द गेटिंग देन दैट ऑफ गेटिंग द येलो बॉल, ऐसा क्यों कहा इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है प्यारे बच्चों, आइए 2/3 आई है, और येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है प्यारे बच्चों वो आई है 1/3 आई है। तो आप देख सकते हो, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी गई हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर क्या कर देना है, सेम कर देना है, और सेम करने के बाद जिसकी ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी वही आप कहोगे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम ही दिख रहा था, तो ऊपर वाला क्या देखोगे, न्यूमरेटर देखो क्या है, 2 बड़ा है, तो कहोगे आप क्या कि ये वाला बड़ा है, ये ट्रिक याद रखना, तो ये वाला हमारा क्या है, बड़ा है, तो क्या कौन सा बड़ा है, रेड, रेड वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो कौन है मोर, रेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये एग्जांपल समझाना ज़रूरी था आपको, इसलिए मैंने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ एग्जांपल नंबर 3 आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको आना, आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड थोड़े बहुत होंगे, थोड़ा और अच्छी अच्छी चीज़ें देखें हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, हम लोग ट्राई दीज करेंगे, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड इसके बाद है आपकी बुक में दिया गया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।
और अपना ख्याल रखना मत भूलना।